बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार धर्मपाजी यानी कि धर्मेंद्र दशकों से इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फगवाड़ा में जन्मे धर्म जी आज 86 साल के हो चुके हैं। वैसे इस बात से भी सभी वाकिफ हैं कि पंजाबी परिवार के धर्मेंद्र को जिस तरह से सरसों के साग और मक्के की रोटी से लगाव है, ठीक उसी तरह वो शराब से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस जट यमला पगला दीवाना ने एक दफा शराब के नशे में एक डायरेक्टर को पूरी रात किया था परेशान? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस पूरे किस्से के बारे में। दरअसल ये किस्सा उस समय का है जब एक बार धर्मेंद्र और ऋषिकेश मुखर्जी साथ में बेंगलुरु से मुंबई का सफर तय कर रहे थे। इसी दौरान ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें फिल्म आनंद की स्टोरी सुनाई थी। फिल्म की स्टोरी धर्मेंद्र को काफी पसंद आई और उन्होंने इस फिल्म में काम करने का मन भी बना लिया था। हालांकि कास्टिंग के वक्त ऋषिकेश ने इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को नहीं बल्कि राजेश और बिग बी को कास्ट कर लिया। ऐसे में इस बात से धर्मेंद्र खूब नाराज हुए। इसी नाराजगी में धर्मेंद्र ने शराब पी ली और नशे में ऋषिकेश को फोन मिला दिया। खुद धर्मेंद्र ने एक बार एक शो पर बताया था कि वे पूरी रात ऋषिकेश को फोन पर तंग करते रहे। साल 2019 में एक टेलीविजन शो पर धर्मेंद्र ने इस किस्से के बारे में खुलकर बताया था। धर्मेंद्र ने कहा था, ऋषि दा ने मुझे आनंद की स्क्रिप्ट सुनाई थी। जब हम बेंगलोर से आ रहे थे उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और राजेश खन्ना फिल्म में लीड रोल में है। और फिर मैंने ऋषिकेश को रात भर सोने नहीं दिया। मैंने उनको कहा, आप मुझे ये रोल देने वाले थे, आपने मुझे स्टोरी सुनाई, फिर आपने उसे फिल्म क्यों दी? वो मुझे समझाते कि धर्म तुम सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। वो बार बार फोन काटते और मैं फिर से उन्हें फोन लगाता और पूछता, आपने उसे ये रोल क्यों दिया? बता दें कि सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी ही नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस भी धर्मेंद्र के नशे की लत से परेशान हो गई थी और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि आशा पारिक थी। फिल्म आए दिन बाहर के की शूटिंग के पैकअप होते ही सेट पर देर रात तक शराब की पार्टीज हुआ करती थी। धर्मेंद्र इतनी शराब पी लेते थे कि सुबह तक उनके मुंह से शराब की गंध नहीं जाती थी, लेकिन साथ ही उन्हें हीरोइन आशा पारेख की डांट का भी डर सताता था। ऐसे में धर्मेंद्र आशा पारेख की डांट से बचने के लिए अजीब सा नुस्खा अपनाते थे। वे शराब की गंध को छुपाने के लिए प्याज खाकर सेट पर पहुँचते थे। लेकिन एक दिन आशा पारेख ने शिकायत कर दी कि धर्मेंद्र के मुंह से प्याज की बदबू आती है, जिसके बाद धर्मेंद्र ने उन्हें बताया कि वे शराब की गंध छिपाने के लिए प्याज खाते हैं। इस पर आशा पारेख ने उन्हें जवाब दिया कि वे शराब ना पिया करें। धर्मेंद्र और शराब के किस्से यहीं खत्म नहीं होते बल्कि एक बार शराब की वजह से वो विनोद खन्ना से हाथापाई भी कर बैठे थे। दरअसल उस वक्त फिल्म मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग चल रही थी। विनोद खन्ना धर्मेंद्र के साथ फिल्म में काम कर रहे थे। तब धर्मेंद्र की आदत रहती थी कि जब वो भी शूटिंग के बाद महफिल सजाते थे तो उसमें दोस्तों को भी शामिल किया करते थे। उसी वक्त दोनों साथ में बैठकर जाम का मजा उठाते, अक्सर दोनों शाम में पार्टी करते थे। लेकिन फिर जब कुछ समय बाद जब धर्मेंद्र विनोद को शाम को अपने साथ बैठने के लिए बुलाते थे तो विनोद खन्ना ने आने से मना कर दिया था, जिसके पीछे की वजह थी एक्ट्रेस अमृता सिंह। विनोद 80s के दशक में अमृता सिंह के करीब होने लगे थे और उनके साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र शाम की पार्टी के दौरान विनोद का इंतजार करते थे, लेकिन विनोद इस पार्टी में शामिल नहीं होते थे और आनाकानी करते थे। ऐसे में धर्मेंद्र उनकी इस आदत से गुस्सा हो बैठे थे। अनजाने में धर्मेंद्र ने अमृता सिंह को काफी भला बुरा कह दिया, जो कि विनोद खन्ना सह नहीं पाए और तब दोनों की लड़ाई हो गई। ये बात इतनी बढ़ गई थी कि धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर विनोद को धक्का तक दे दिया, तो वहीं विनोद ने भी धर्मेंद्र का कॉलर पकड़ लिया, जिसे देख कर हर कोई हैरान रह गया था। वेल, आज धर्मेंद्र पाजी के बर्थडे पर E24 इज ऑल्सो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर धर्म पाजी।